वॉर्म रोटराक्ट ग्रीटिंग गाइस, दिस इज रोटराक्ट द प्रथम मात्र एंड आई हैव विद मी रोटराक्ट श्रद्धा सिंह। वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन। इन दिस इंटरव्यू वी आर इंटरव्यूइंग आवर ओन क्लब मेंबर मिस्टर चेतन बागड़े। सो लेट्स वेलकम मिस्टर चेतन बागड़े। हेलो गाइस, हे हाय चेतन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? यू गाइस आर गुड, परफेक्ट। यप, ओके, ऑलराइट। सो एज यू नो, चेतन इज वन ऑफ आवर क्लब मेंबर्स and as most of the people in Rotaract District C14 do also know that he has his own t-shirt printing company. So let's know his journey, how has it been? All right, okay. So before getting started with the interview session, we would like you to give a small gist about your startup business. Okay, so basically t-shirt manufacturing and printing ka business hai. मोस्टली हम लोग कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट का कोई कंपनीज को टी शर्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है तो वो लोग हमको अप्रोच करते हैं और फिर हम लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने 2014 से स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो तभी से स्टार्ट किया था तभी जस्ट, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, All right. So the first question would be, how did you get this idea in the first place that t-shirt printing should be done? Okay, so actually एक incident था कि मुझे मेरे friend को एक t-shirt gift करना था customized, और मुझे ऐसा कुछ idea भी नहीं था कि ये सब कहाँ पे available है ऐसा। तो मैंने बहुत search किया, internet पे search किया, local shops में search किया, but single t-shirt customized करके बहुत ही मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ, नहीं मिला एक्चुअली फाइनली मुझे जैसा मुझे चाहिए था। मिल रहा था बट वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों का होता होगा। सो आई कम अप विद दिस आइडिया, एंड जहाँ पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कहाँ से हम लोग टी शर्ट परचेज कर सकते या बना सकते और कहाँ पर से प्रिंट होता है, कैसे प्रिंट होता है, उसका टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। Perfect. So, moving on to the next question, was it easy for you to arrange the initial funds for your startup? Actually, frankly speaking, initial funds मैंने कुछ भी नहीं था मेरे पास as a engineering student, तो मतलब funds की मुझे requirement भी नहीं पड़ी starting में, क्योंकि मेरा clear था कि अगर हमें किसी चीज का knowledge नहीं है तो starting में हम लोग को उसमें work करना चाहिए। मतलब for example, अगर मुझे मोबाइल का बिजनेस चालू करना है तो मुझे मोबाइल की शॉप में पहले वर्क करना चाहिए, 2-3 महीने वहाँ का एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक ऐसा वेंडर है जो मुलुंड में, जो यही उसका मेन बिजनेस है और वो बड़े स्केल पे करता है कस्टमाइजेशन, तो मैंने उनका प्रोडक्ट रीसेल करना स्टार्ट किया, जिसके लिए मुझे जीरो फंड की ज़रूरत थी। मैंने उनसे प्रोडक्ट लेता था मैं, और जैसा मुझे ऑर्डर आता था मैं उनको प्रोवाइड करता, तो इसमें मुझे एनी हाउ प्रॉफिट ही हो रहा था, लॉस का तो कुछ था नहीं क्योंकि मेरा क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था। ओके, परफेक्ट। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू प्रिंटेड योर ओन टी-शर्ट, यू नो, फर्स्ट टी-शर्ट आउट ऑफ योर प्रोडक्शन? एक्चुअली आई थिंक 2 to 2.5 ईयर हुआ रहेगा, जब मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इनफ फंड है और मैं मशीन ले सकता हूँ उससे। तो फिर मैंने घर वालों को थोड़ा अप्रोच किया और उनसे थोड़ा फंड जमा करके और मेरा सेविंग्स मिला के फिर मैंने एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जहाँ से मैं पहले ले रहा था तो उनका एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने एक सेट जो था उनका वो उन्होंने सेल करने का था उनको, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कोई है क्या, तो मैंने सोचा कि अच्छा चांस है, अगर ये बेच रहे हैं तो मैं खरीद लेता हूँ। तो मैंने वहाँ से वो परचेज किया और फिर मैंने 2-2.5 साल पहले मेरा पहला टी शर्ट प्रिंट किया। Alright, so what was the first problem that you faced in this business, you know? Actually, ये बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये है, लीड जनरेशन, मतलब हम लोग चलो सेटअप तो कर लेंगे पूरा, कोई बात नहीं, बट कस्टमर्स रेगुलरली आना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर हम लोग मतलब हम लोग हमेशा नहीं फिर प्रॉफिट कमा सकते।
क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली एक ऐसा सीजन रहता है जिसमें कस्टमर आते नहीं है, तो उस सीजन के लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो सीजन पूरा हम लोग लॉस में जा सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम था कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं है, तो फिर क्या होगा, मतलब फिर अर्निंग कैसे होगी। और मैंने एक मतलब थोड़े टाइम बाद मैंने एक बिजनेस लोन भी निकाला था, तो फिर उसका भी इंस्टॉलमेंट भरने का जिम्मेदारी थी। तो इसके लिए लीड जनरेशन, मतलब कोई भी बिजनेस में लीड जनरेशन इम्पोर्टेंट रहता है। ओके सो परफेक्ट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्टिव विद योर डिसीजन? डेफिनेटली, एक्चुअली ऐसा है कि फैमिली एंड फ्रेंड के सपोर्ट के बिना तो बहुत ही मुश्किल है बिजनेस, मतलब मेरे लिए था। तो एक्चुअली ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो कॉलेज भी था, तो वो टाइम पे डिलीवरी करना एक जगह से दूसरे जगह पे, रॉ मटेरियल लेके आना, लेके जाना, और फाइनल प्रोडक्ट भी डिलीवर करना। तो मोस्टली ऐसा होता था कि मेरे फ्रेंड एनी टाइम रेडी रहते थे, जब भी मैं उनको फ़ोन करके बोलता था कि आप प्लीज़ इतना कर दो, तो हमेशा रेडी रहते थे हम लोग। तो और फैमिली का देखेंगे तो ऑब्वियसली फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। Alright, so next question, how many people did you start working with and how many people are you hiring right now? Actually, मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेला था, so then फिर मैंने थोड़े एक I think तो 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, तो I think 2016 तक मैंने फिर एक मेरा एक फ्रेंड ही था जिसको पार्टनर बना लिया। सो फिर उसके बाद आई थिंक यू नो जीत मेरा पार्टनर जो है, आपने देखा रहेगा उसके साथ में। तो उसके बाद फिर हम लोग ने एक प्रिंटिंग के लिए एक बंदा हायर किया जो वो एक्सपीरियंस था, और उसके बाद फिर एक टेलर को हायर किया। तो एक्चुअली हम लोग का चार जन का ही टीम। Okay. Perfect. So, one special memory you would like to share with us? हाँ, actually एक memory है, थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं है, थोड़ा bad memory है, but उससे idea आ जाएगा लोगों को actually कैसा होता है business में, कि actually मेरे friend ने मुझे एक order दिया था around 60 t-shirt का, 60. So, वो ऐसा कि printing करते time मैं नहीं था वहाँ पे, तो मैंने उनको डिटेल में बताया था कि फ्रंट में प्रिंट कर रहे हैं, सो 60 टी शर्ट का पूरा बैक में प्रिंट हुआ था, और ये स्टार्ट में हुआ था मेरे बिजनेस के, मतलब 5-6 months के बाद ही ऐसा हुआ। तो आई थिंक अराउंड 15,000 rupees का जितना मैंने अर्न भी नहीं किया था प्रॉफिट, उससे ज़्यादा का मुझे लॉस हो गया स्टार्टिंग में। तो बहुत मतलब बहुत बुरा लगा, बट फिर ऐसी सिचुएशन में ही हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, लॉस तो होगा ही, ऑब्वियस बिजनेस है, तो उससे आगे कैसे जाना चाहिए, उसमें रुकना ही चाहिए कि हाँ भाई मेरा लॉस हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला चलो होता है ऐसा, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद फिर वो गलती वापस नहीं हुई। So since many of our viewers would be planning to start their business at some point of the time, would you like to share what were the mistakes that you took and the people that are starting the business right now should not take? Mistake. Actually, जब भी हम लोग कोई investment करते हैं किसी machine में या किसी भी चीज में, किसी service में for our business, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको उसके बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग, क्योंकि कैसा होता है कोई चीज़ खरीदने के बाद फिर उसको एनी हाउ यूज़ करना पड़ता है और वो हम लोग लॉस में चले जाते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया टेक्नोलॉजी आया था स्टिकर प्रिंटिंग का, जो मैंने देखा एंड देन आई परचेज दैट मशीन, बट फिर ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत टाइम, क्योंकि उसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा था, उसका कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं आ रहा था कि हमको स्टिकर प्रिंटिंग चाहिए। तो एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फिर मतलब वो एक लॉस ही हो गया। तो इसीलिए कभी भी कुछ परचेस करने से पहले उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, और वो नहीं चल रहा है नहीं खरीदना बेटर है। ओके परफेक्ट, सो हैज योर कंपनी रीच्ड द पोजीशन यू वांटेड इट टू रीच?
ऑब्वियसली नॉट एक्चुअली कभी भी बिजनेस करना है तो बड़ा ड्रीम करना चाहिए, छोटा ड्रीम करके तो कोई करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो बहुत ही बड़े गोल्स है मेरे, तो लेट्स सी आई होप हो जाएगा कुछ सालों में। Okay, so what are your future goals for the company? फ्यूचर गोल्स एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माई ओन वेबसाइट फॉर नाउ, सो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, बट उसके बाद एक्चुअली हम मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी देख रहे हैं बेवकूफ है और आई थिंक सोल स्टोर है, बड़े कॉम्पिटिटर्स है टी शर्ट बिजनेस में, बट वो लोग उनके डिजाइन्स अभी सेल कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में थोड़ा अलग है, मुझे कस्टमाइजेशन पे फोकस करना है, क्योंकि एक ऐसा है कि हर एक का चॉइस अलग है, तो मुझे ऐसा कुछ अभी चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन इट, तो यही फ्यूचर में यही करना है मुझे, वेबसाइट पे ओके कस्टमाइजेशन के लिए प्रॉपर वेबसाइट लॉन्च करना है, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत मुश्किल नहीं है। ऑलराइट सो वन क्वेश्चन एनी आई लाइक टू ऐड मैसेज वन क्वेश्चन दैट आई लाइक टू ऐड इज दैट व्हिच इज द बिगेस्ट ऑर्डर दैट यू हैव एवर प्लेस्ड यू नो बाय क्वांटिटी साइज या बिगेस्ट ऑर्डर वाज फ्रॉम लिबर्टी इंश्योरेंस लास्ट ईयर हाउ आया मेनी था बिगेस्ट ऑर्डर। हेलो, या योर ऑर्डर बिगेस्ट ऑर्डर जो था वो लास्ट ईयर आया था, लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी है परेल में, तो एक्चुअली वो भी एक कोइंसिडेंस था, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि कोई ऐसे टाइम पास कॉल कर रहा है, बट एक्चुअली उनका जेन्युइन ऑर्डर था, तो वो मिल गया मुझे फॉर्चुनेटली। तो एक्चुअली इट वाज अराउंड 1500 to 1600 टी-शर्ट्स का ऑर्डर था वो, सो वो बड़ा था ऑर्डर अभी तक का। And how many ओके days did it take to complete it? एक्चुअली इट टुक अराउंड 10 to 15 days, इनफ हो जाते हैं। ऑर्डर कितना बड़ा है इससे अच्छा उसका कॉम्प्लिकेशंस इम्पोर्टेंट है, कितना उस पे वर्क है, तो उसके Perfect. So, any message you would like to give to upcoming entrepreneurs? हाँ ये मैसेज तो दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली लॉस दिमाग में लेकर ही चलो, और कोई बात नहीं लॉस होगा तो रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉस होता है तो आगे प्रॉफिट होगा कंफर्म है, तो उसके लिए ऐसा मत सोचो यार, और देखो चैलेंज लेने के बाद ही सक्सेस मिलेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, तो सिर्फ आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सोचो, और अगर तुम लोग कुछ खरीद के नहीं बेच सकते मतलब नहीं बेच सकते तो उसको रीसेल करो, किसी से बात करो किसी वेंडर से, उसको बोलो आपका प्रोडक्ट मुझे दो, और आप वो बेच के स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद फिर ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। Alright. Okay, guys. So that was Rotractor Chetan Bagre for us. So I hope you enjoyed this session, and there was a lot of to learn from this. And Chetan, all the best for your future ventures, and also Thank all you the so best much. for the upcoming year. All right. Thank Goodbye, you. guys. Thank you. Goodbye.